कुछ दिन पहले मैंने भारत में खनिज संसाधन पढ़ाया। खनिज संसाधन पढ़ाते समय विभिन्न धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिजों के बारे में बात की है ना। उसमें मैंने विभिन्न खनिजों के संदर्भ में भंडार और उत्पादन के संदर्भ में राज्यों के आंकड़े बताए थे कि किस खनिज का भंडार सबसे ज्यादा किस राज्य में है और उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। इस तरह के आंकड़े यहाँ पे मैंने न केवल इकट्ठा किए हैं बल्कि ये नवीनतम आंकड़े हैं। अध्याय खनिज संसाधन अध्याय पढ़ाते समय ठीक मैंने कुछ आंकड़े जो भंडार और उत्पादन के संदर्भ में आपको दिए थे, हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो। ऐसा मानते हुए आप इस लिस्ट को अलग पेज पर पूरा लिख लीजिए और अगर पुराने भंडार उत्पादन संबंधी जो पुराने आंकड़े हैं जो मैंने लिखवाए हैं उनसे अगर इनका विरोध हो तो आप इन्हें सही मानिएगा, उन्हें गलत मानिएगा, क्योंकि ये नवीनतम आंकड़े हैं। शुद्ध कर लीजिए, एक तरह से कहीं ना कहीं दो चार पॉइंट्स में अंतर हो सकते हैं। ठीक है, आइए मैं एक बार दिखा दूं। ये खनिज के नाम लिखे हैं, भंडार में कौन सा राज्य सबसे अव्वल है, उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल है ना। आमतौर पर मैंने एक ही राज्य के नाम लिखे हैं, जैसे क्रोमाइट में भंडार में सबसे ज्यादा उड़ीसा प्रथम पे है और उत्पादन में भी उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, जैसे कि लोहा उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, सॉरी लोहा भंडार में कर्नाटक है और दूसरे स्थान पर उड़ीसा है ना। लोहे में मैंने दो राज्य लिखे हैं, भंडार के मामले में भी और उत्पादन के मामले में तो मैंने तीन राज्य लिख दिए हैं, क्योंकि लोहा एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है। तो महत्वपूर्ण खनिजों मैंने दो तीन राज्य लिख दिए हैं, जैसे कि कोयला मैंने तीन तीन राज्यों के नाम लिखे हैं, भंडार में भी और उत्पादन में भी। लेकिन जो सामान्य खनिज है उसमें मैंने सिर्फ एक एक नाम, एक एक राज्यों के नाम लिखे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परीक्षाओं की प्रकृति को समझते हुए मैंने ऐसा किया है। साधारण खनिजों के विषय में दूसरा या तीसरा स्थान नहीं पूछता है ना, जबकि कोयला लोहा जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में दूसरा या तीसरा राज्य पूछ सकता है या क्रम बनाने को कह सकता है कि राज्यों के उत्पादन के संदर्भ में कौन सा राज्यों का अवरोही क्रम है या आरोही क्रम है ना। तो लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आइए देख लीजिए, एक बार यहां दिखा दें। देखिए भंडार में कर्नाटक प्रथम है, लोहे के भंडार में कर्नाटक प्रथम है, उड़ीसा दूसरे स्थान पर है। उत्पादन में देखिए, उत्पादन लोहे का सबसे ज्यादा जबकि उड़ीसा में होता है ना, और कर्नाटक उत्पादन में तीसरे स्थान पर चला गया है। कर्नाटक भंडार में पहले स्थान पर है लेकिन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। इसी तरह जैसे रॉक फास्फेट के भंडार में झारखंड पहले स्थान पर है जबकि उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। मैग्नीज, जब मैं मैग्नीज पढ़ा रहा था खनिज संसाधन अध्याय में, तो वहां पे मैंने बताया है कि मैग्नीज के भंडार और उत्पादन दोनों में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है, लेकिन वो पुराने आंकड़े हैं, नए आंकड़े बदल गए हैं। उड़ीसा भंडार में तो पहले स्थान पे है लेकिन उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे आ गया है। मैग्नीज के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे आ गया। ओके, तो इस तरह से इसे आप लिख लीजिएगा। ईंधन खनिजों की, ये है धात्विक खनिज, ठीक है। यहाँ पे चार ईंधन खनिजों के बारे में लिखा है, कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस। आइए कच्चे तेल को थोड़ा समझा दें। कच्चे तेल के उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र, कच्चे तेल के उत्पादन में भी और भंडार में भी अपतटीय क्षेत्र सबसे प्रथम स्थान पर है। अपतटीय क्षेत्र क्या होता है, मैं बता चुका हूं कि भारत के तट रेखा से 200 समुद्री मील तक कोई भी देश छिछले सागर में संसाधनों का दोहन कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 समुद्री मील तक, समुद्र में, तट रेखा से 200 समुद्री मील तक, वास्तव में वही किसी देश का अपतटीय क्षेत्र होता है। अपतटीय क्षेत्र खनिज संसाधनों के भंडार होते हैं। तो भारत में कच्चा तेल मतलब पेट्रोलियम की उत्पादन और भंडार में अपतटीय क्षेत्र प्रथम स्थान पर है। गौर करने वाली बात है कि पेट्रोलियम के भंडार में राज्यों में गुजरात प्रथम स्थान पे, यानी अपतटीय क्षेत्र के बाद गुजरात का स्थान है। तो गुजरात राज्यों में प्रथम स्थान पे हुआ ना, तो गुजरात राज्यों में भंडार में प्रथम स्थान पे है, लेकिन उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे नहीं है, राजस्थान प्रथम स्थान पे है। आपने पढ़ा होगा पत्रिकाओं में कि वर्ष 2009 में उत्पादन शुरू हो गया था, राजस्थान के मंगला, ऐश्वर्य, भाग्यम तेल क्षेत्रों की खोज हुई थी है ना। लंदन की केयर्न एनर्जी भारत की ONGC के साथ मिलकर राजस्थान में तेल क्षेत्रों की खोज की थी और फिर वहां से उत्पादन शुरू हो गया। ऐसे कौन से राजस्थान के तीन तेल क्षेत्र थे, मंगला, ऐश्वर्यम और भाग्यम।
मैंने वहां पे पेट्रोलियम बताना भूल गया था, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कच्चे तेल के भंडार में गुजरात प्रथम स्थान पे है राज्यों में, लेकिन उत्पादन में अब राजस्थान प्रथम स्थान पे आ चुका है। तो कच्चा तेल हो चाहे प्राकृतिक गैस, दोनों के भंडार और उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र हमेशा प्रथम स्थान पर रहा है। भंडार और उत्पादन में चाहे कच्चा तेल हो या प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्राकृतिक गैस वही पाया जाता है, कच्चा तेल पाया जाता है ना, तो दोनों के भंडार उत्पादन अपतटीय क्षेत्र प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्राकृतिक गैस के उत्पादन में राज्यों में असम पहले स्थान पे है। अपतटीय क्षेत्र के बाद असम का स्थान है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में। कुछ आंकड़े यहां भी हैं जो कि बदले हुए हैं। जो खनिज उत्पादन होता है उसका एक मूल्य होता है ना, तो खनिज धात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं, ईंधन खनिज है, किस खनिज का मूल्य ज्यादा है उसको भी हम आंकड़े बनाकर याद कर लेते हैं। तो देश में कुल खनिज उत्पादन जो मूल्य होता है, ओके, कुल खनिज उत्पादन मूल्य में 69% हिस्सा ईंधन खनिजों का है, यानी सारा खनिज मिला के चाहे धात्विक खनिज हो चाहे ईंधन खनिज हो, सभी खनिजों में सबसे ज्यादा कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सबसे ज्यादा 69% हिस्सा ईंधन खनिजों का है। ईंधन खनिज में क्या क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट वगैरह, ओके। ईंधन खनिज उत्पादन मूल्य में भी सर्वाधिक योगदान कोयले का है। इससे पहले जब मैं खनिज संसाधन पढ़ा रहा था अध्याय, तो उसमें बताया था मैंने कि ईंधन खनिजों में सर्वाधिक मूल्य पेट्रोलियम का है, लेकिन अब आंकड़े बदल गए हैं। ईंधन खनिजों के उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक मूल्य या सर्वाधिक योगदान कोयले का हो गया है, अब है ना, पेट्रोलियम का नहीं है। ठीक है, इस प्रकार देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक मूल्य किसका हुआ? कोयले का हुआ। यानी जितने भी तरह के खनिज उत्पादित किए जाते हैं देश में, उसमें सबसे ज्यादा मूल्यवान खनिज कौन सा है? कोयला है। मूल्यवान मतलब ज्यादा मात्रा में अब उत्पादन हो रहा है, इसलिए उसका मूल्य बढ़ गया। नेक्स्ट, यदि क्षेत्र के हिसाब से देखें, है ना, कि कौन सा राज्य का उत्पादन मूल्य सबसे ज्यादा है खनिज उत्पादन में, यदि क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक 20% हिस्सा अपतटीय क्षेत्र का है। अपतटीय क्षेत्र, छिछले सागर, अपतटीय क्षेत्र, ऑफशोर कहा जाता है। अपतटीय क्षेत्र खनिज संसाधनों के भंडार है, स्वाभाविक रूप से कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा ईंधन खनिजों का, सॉरी, अपतटीय क्षेत्र का है। यानी देश के किसी भी राज्य की तुलना में अगर देखें तो अपतटीय क्षेत्र का खनिज उत्पादन मूल्य कहीं अधिक है, किसी भी राज्य की तुलना में अगर देखें तो। भारत के राज्यों में अगर देखा जाए, भारत के राज्यों में खनिज मूल्य की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसके पहले जब मैं खनिज संसाधन पढ़ा रहा था, तो पहले ही वीडियो मैंने बताया था कि भारत के राज्यों में खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। मैंने वो गलत बोल दिया था, वो पुराने आंकड़े थे, नए आंकड़े हैं कि भारत के राज्यों में खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पे है। राजस्थान में क्या क्या होता है? सीसा होता है, जस्ता होता है, चांदी होता है, सीसा जस्ता बहुत बड़ी मात्रा में और होता है, उसके अलावा बहुत से छोटे छोटे खनिज, चूना पत्थर हो गया, है ना, सीमेंट उद्योग में कौन सा खनिज इस्तेमाल में आता है हमको याद नहीं आ रहा है, और चूना पत्थर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, जो छोटे छोटे धात्विक अधात्विक खनिज हैं बहुत, जैसे फेल्सपार हो गया, है ना, फेल्सपार हो गया, या फिर बहुत से ऐसे खनिज हैं जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से राजस्थान खनिज उत्पादन मूल्य में प्रथम स्थान पर आ गया है। राजस्थान के बाद उड़ीसा का दूसरा स्थान है खनिज उत्पादन मूल्य में, राजस्थान के बाद उड़ीसा का दूसरा स्थान है। इसको मैंने इतना अलग से स्पेशली बल देकर इसलिए बताया क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में नवीनतम आंकड़े हमेशा पूछे जाते रहे हैं। नवीनतम आंकड़ों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इन्हें अच्छे से लिखकर याद कर लीजिए। हाँ, ये समझने लायक तो नहीं था, टोटल रट्टू चीज है ये। समझने के लिए आप पीछे के जो खनिज संसाधन के वीडियो हैं एक बार उन्हें देख लेंगे तो ये कहीं बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, और ये आंकड़े महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने आपको दे दिए, इसे आप लिख लीजिएगा। नमस्कार।